इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, यहाँ से इसको नहीं, डबल बॉन्ड कहाँ से है, ये दो कार्बन के बीच में, तो दोनों आ जाए, तो इसको किया, इसको अगर मैंने किया वन, इसको टू किया तो मतलब वन और टू ये हो गए, तो यहाँ सिंगल है, तो हम कहेंगे ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ये फाइव। ऐसे क्यों नहीं किया, तो एक दो तीन चार पे ब्रांच आएगा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ वन टू थ्री पे ब्रांच करूँ, इससे करूँ जहाँ पे ब्रांच भी करीब हो जाए, डबल बॉन्ड भी करीब हो जाए, तो इसका हो गया। अब इसका रूल क्या है, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखो, तो ये किससे स्टार्ट है, क्लोरोसी से, ये मिथाइल, हम क्या लिखेंगे फोर, फोर क्लोरो हो गया, उसके बाद थ्री मिथाइल भी हो गया, ब्रांचेस हो गए, उसके बाद क्या है रूट, क्या आप दूसरा रूट क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, आपने जो चैन सेलेक्ट किया है इसमें रिंग है, हाँ इसमें रिंग है ना पूरा, तो हम क्या गेट करेंगे वर्ड साइकिल, तीन रूल हो गए, दो रूल हो गए, तीसरा रूल क्या है रूट वर्ड, इसमें कितने कार्बन हमने सेलेक्ट किए, पाँच, तो पाँच के लिए रूट वर्ड क्या है टेन, उसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है कि आपने जो कार्बन चैन सेलेक्ट किया उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है, और कितने हैं एक है, तो जो लोएस्ट कार्बन उसको शो करो, पेंट क्या होगा पेंट वन, पेंट वन और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पेंट वन ई लगाओ, ई नहीं लगाते हैं क्योंकि अभी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, अब इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ये लगा पेंट ई, ये हो गया, ये देखो ये भी साइक्लिक है, इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड कर, ये है वन, ये टू, ये थ्री, इसमें क्या है पहले क्या करो ब्रांचेस लिखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है ब्रांच, इथाइल किस कार्बन पे, थ्री, तो हम कहेंगे थ्री इथाइल, थ्री इथाइल हो गया, उसके बाद क्या होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि दूसरा रूल क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, क्या इसमें साइकिल है, यस, तो साइक्लो वर्ड लिखो, लिख लिया, तीसरा इसमें क्या है रूट वर्ड, कितने कार्बन वाला चैन, तीन वाला, तो तीन के रूट वर्ड क्या है प्रॉप, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो आपने सिलेक्ट किया इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की जो लोएस्ट है उसको शो करेंगे, प्रॉप वन एक है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स प्रॉप वन ई, सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, इसका नाम, और दिस इज लास्ट है ना, दिस इज लास्ट होता है, इसको नेमिंग करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड करीब है, देखो इस डबल बॉन्ड पे क्या है ब्रोमीन है, इस डबल बॉन्ड क्या है इथाइल है, तो मैं यहाँ से करूँ वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ से करूँ वन टू थ्री फोर, और यहाँ बी आर यहाँ से करूँ, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों सेम है, यहाँ बी आर है वहाँ ई है, तो बी पहले आएगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है पहले ब्रांचेस को लो, कितने ब्रांचेस हैं तीन अल्फाबेटिक, तो वन बी ब्रोमो होगा, ये होगा वन ब्रोमो, उसके बाद बी के बाद सी डी ई, ई है इथाइल, तो क्या होगा फोर इथाइल हो गया, उसके बाद ब्रांच कौन सा है मिथाइल किस कार्बन पे है सिक्स मिथाइल भी हो गया, उसके बाद क्या होगा रूट, उसके बाद क्या होगा दूसरा रूट क्या है इसका प्राइमरी प्रीफिक्स, आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट किया इसमें रिंग है यस रिंग है तो क्या लिखो साइक्लो, तीसरा क्या है इसमें रूट वर्ड कितने कार्बन कार्बन नंबर है सिक्स, तो सिक्स के लिए रूट क्या होगा हेक्स, क्या प्राइमरी सफिक्स क्या है इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन दो है, तो दोनों की लोएस्ट कार्बन एक कहाँ है वन और टू में, दूसरा कहाँ है फोर फाइव, तो लोएस्ट क्या है इसका वन, इसका लोएस्ट क्या है फोर, तो हेक्स क्या होगा वन फोर कितने हैं दो लाए, और ये ई, ई नहीं लगा रहे हैं, तीसरा सेकेंडरी सफिक्स इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये इसका हिस्सा, अब देखो ऐसा चैन है इसमें अल्किन भी है और अल्काइन भी है, अल्किन भी है और इसमें अल्काइन भी है, इसमें अल्किन भी है और अल्काइन भी है, दो में लिखा हुआ है इसमें अल्किन भी है और अल्काइन, देखो यहाँ से नंबर करेंगे तो अल्किन अल्काइन डबल बॉन्ड, तो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है उसको हम नेमिंग करेंगे, यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, यहाँ देखो डबल बॉन्ड किस पे है वन पे और ट्रिपल बॉन्ड किस पे यहाँ टू पे, तो नंबर कहाँ से जहाँ से ये करीब है, तो हमने सेलेक्ट किया नेमिंग किया और नंबरिंग किया ख़त्म, तो फिर उसी रूप में आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले किसको लिखेंगे ब्रांच क्या है सिर्फ एक है, तो फाइव ब्रोमो हो गया,
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या इसमें रिंग है, नहीं छोड़ दो। तीसरा क्या है, रूट वर्ड, कितने वर्ड्स हैं, कितने रूट हैं, पांच हैं, पांच का बने तो वर्ड लिखो पेंट, पांच का मतलब वर्ड लिखो पेंट। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, क्या है इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल भी है ट्रिपल भी है, तो पहले डबल को लिखो, डबल किस पे है, वन पे, तो वन क्या करेंगे ई, ई में, और ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, थ्री, तो थ्री आइन, थ्री आइन, इसको ई में लगा रहे हैं, ई नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, क्या इसमें फंक्शन ग्रुप है, नहीं, अब ई लगा, तो ये सब हो गया। यहाँ देखो इसमें डबल भी है ट्रिपल भी है, लेकिन जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, करीब हो, यहाँ देखो किस पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वन पे, और यहाँ डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, टू पे। जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो, वैसे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अगर पोजीशन सेम हो तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से करो, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो फिर वहाँ से करो जहाँ से करीब हो, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है और डबल बॉन्ड टू, यहाँ से करीब है। अब नैन इसमें ब्रांच है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसमें कोई ब्रांच है, नहीं छोड़ दो। प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें साइकिल है, नहीं, कितने रूट है, तो रूट वर्ड है पांच। अब इसमें उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, फंक्शन ग्रुप इसको, उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है दोनों है, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे थ्री, थ्री ई हो गया, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे वन